हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है उसमें डीलर जो है फ्री ऑफ चार्ज ना कर देना है और एक रुपया भी आप चार्ज नहीं करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ द नंबर प्लेट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल ऑलरेडी, तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ऑलरेडी उन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट में इंक्लूड होता है, इसलिए पैसा पब्लिक से नहीं लेना है और डीलर ही नंबर प्लेट लेके निकाल के देना है। थैंक यू सो मच आप लोग को यहाँ मेरा यहाँ पे ऑफिस में आने के लिए। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है ये पब्लिक को आप लोग का द्वारा जानने को मिलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक भी जानना है प्रोसेस कैसा होना है। तो अभी का जो है हम का वाहन फोर होता है, वाहन फोर सिस्टम में थोड़ा से ये प्रोसेस लंबा हो गया लेकिन ये पब्लिक का भराई के लिए है। और वाहन फोर ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया ऑल ओवर इंडिया में कि हम डीटीओ हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से और ट्रांसपोर्ट जो ऑफिसर से उनको भी प्रोटेक्शन बहुत मिलता है प्रोड से, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो हम आई फील लकी कि हम अभी ऐसा ज़माना में बैठा है कि प्रोड से भी हम लोग अपने आप को बचा सकें। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बोलने से फॉर एग्जाम्पल हमारा अरुणाचल का लेकर नंबर वन, आप एक डीलर में गया है, मान लो आप जैसे टाटा डीलर में गया, टाटा डीलर में गया आप गाड़ी खरीदा, आप गाड़ी खरीदने के बाद आप वहाँ पे जब आपके गाड़ी आ जाता है, गाड़ी आ जाने के बाद आपका प्रोसेस में क्या आपको बुलाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करना पड़ता है। नियम से आप लोग भी कुछ कागज़ को लेके गाड़ी का जो है ये फॉर्म 21 है, जो 22 है, जो इनवॉइस है, जितना पेपर जो रिक्वायरमेंट है, जो TRC है, आपका जो है इंश्योरेंस है, इन सब को लेके आप ऑफिस में आ सकता है। तो मोस्टली हमारा यहाँ पे पब्लिक लोग क्या करते हैं, उनको खुद नहीं आता है, मोस्टली डीलर में उन्हें दे देता है। तो उन लोग अपना टाइम बचाने के लिए होता होगा क्योंकि हमें बहुत ही अपना टाइम का रास्ता भी ख़राब है, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहता है और बैंक भी जाने का टाइम नहीं होने का वजह से उन लोग डीलर में उन्हें दे देता है। तो क्या करते हैं डीलर में, क्या करते हैं डीलर में आपको पैसा रिक्वायर्ड जो पैसा है उनको आपको दे देता है। रिक्वायर्ड पैसा को लेने के बाद डीलर क्या करते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी आपको आगे नहीं देना है, नंबर वन एस प्रोसेस एस पर सिस्टम गाड़ी आपको आगे नहीं देना है, आपका पैसा लेके रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस के आप मेरे ऑफिस में आना है, ये फॉर्म 20 आप फिल अप करना है, फॉर्म 20 को फिल अप करके और चालान भी यहीं पे हम लोग बनाना है, बाहर से चालान नहीं बनाना है क्योंकि सबका गाड़ी का रेट का अलग अलग पैसा होता है, सबका रेट अलग अलग डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स डिपेंड करता है, वो भी नेकेट प्राइस वाला डिपेंड करता है। तो चालान में एंट्री करने के बाद यू हैव टू गो टू अभी ट्रेजरी में जाना पड़ता है, 2000 से जो पैसा ऊपर होना है ट्रेजरी में जाएगा, उसके बाद या तो ट्रेजरी से होने के बाद आप बैंक में जाके पैसा को डिपॉजिट करके फिर अगेन यू हैव टू कम अलोंग विद दिस ओल्ड पेपर, आप वापस आना है मेरे ऑफिस में, वापस आके तब जाके हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका अगर मैसेज भी चला जाएगा, मोबाइल नंबर में मैसेज चला जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया, इतना इतना पैसा हो गया बोल के, गाड़ी व्हीकल नंबर भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि हम लोग का व्हीकल नंबर ऑटोमेटिकली आता है। उसके बाद हम लोग का वहाँ से प्रिंट ये निकलता है, ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बोल के ऑथोराइजेशन स्लिप बोल के हमका वहाँ से एक प्रिंट निकलता है, ये प्रिंट को हम लोग पब्लिक को दे देना चाहिए। तो पब्लिक ले जाता है और जो भी वो रजिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ जो पब्लिक आते हैं उनको भी और उसको ले जाते हैं और साथ में ये प्रोविजनल ले जाते हैं, दिस इज यू कैन सी इट इज रिटन एज प्रोविजनल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल बोलने से ये प्रोविजनल हम लोग नहीं देना चाहिए, लेकिन पब्लिक लोग है मानते नहीं है, RC लेके कैसे जाए, RC नहीं होके गाड़ी कैसे चलाएगा होता है, लेकिन ये प्रोविजन हम लोग नहीं देना है प्री, इसलिए स्लिप ये ऑथोराइजेशन स्लिप को हम लोग जो भी डीलर जो कागज लेके आया है इसको हम वापस दे के वो वापस ले जाना है अपना डीलर में, वापस ले जाके इसको अपना सॉफ्टवेयर में जो ये है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो नंबर है हम लोग का यहाँ से दिया वाला अपना डीलर में पंच करना है, इसको पंचिंग तो पंच करना है, पंच करने से तो हमारा यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आने का बाद क्या होता है ये प्रोविजनल नहीं होके ये ओरिजिनल ये RC बुक को हम लोग ये आराम से प्रिंट कर सकता है। तो प्रिंट करने का बाद क्या करता है, ये प्रिंट तो बाद में ले जाता है, बाद में आके भी इसको ले सकता है, लेकिन इसको डीलर जो क्या करना है पंचिंग करने का बाद नंबर प्लेट आप लोग वहीं पे बनाना है। तो नंबर प्लेट बना के गाड़ी में नंबर प्लेट डालना है, गाड़ी में नंबर प्लेट डाल के उसके बाद यू हैव टू कॉल द ओनर, ओनर को बुला के अलोंग विद द नंबर प्लेट आप गाड़ी को वहां से निकालने जाने निकालना है। रजिस्ट्रेशन का हम लोग का चार्जेस होता है डिपेंड अपॉन, जैसे कि हम लोग का गवर्नमेंट रेट है नोटिफिकेशन मेरे पास वहाँ रेंज है नोटिफिकेशन उसका रेट अलग अलग है, तो बाइक का अलग होता है,
बाइक का सीसी का ऑर्डर भी डिपेंड करता है, ऑनलाइन है वेट का डिपेंड करता है। उसके बाद बड़ा गाड़ी का 3% से स्टार्ट करके 5%, 3% टू 5%, 3% जो है 1 लाख से लेके जो भी है बिलो 5 लाख, बिलो 5 लाख जो है 2% में गिरेगा, और 5% से 5 लाख से लेके 15 लाख तक इट विल कम अंडर 3%, और 15 लाख से लेके 20 लाख तक वो 4%, और जो भी अबव 20 लाख होता है वो सब 5% आता है। और मैम डीटीओ का तरफ से क्या एक्शन लेता है जो फेक नंबर प्लेट? अभी तक तो हम लोग का यहाँ पे हमारा ये में हम लोग चेकिंग भी किया था एक बार पहले में, चेक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पुलिस का हेल्प लेके हम लोग नंबर प्लेट को निकाल देते हैं। एक बार द्विमुखा उसमें भी ट्रांजेक्शन में हमने जितना नंबर प्लेट है तो उसको हटा दिया था, पूरा निकाल दिया था, तो बीच बीच में हम लोग निकालता है करता है हटाता है, लेकिन हर समय तो जाके खड़ा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो पुलिस लोग भी अभी नंबर प्लेट मैक्सिममली हाई सिक्योरिटी, जो हाई सिक्योरिटी वाला नंबर प्लेट जो डीलर से इसीलिए तो है नंबर प्लेट जो फेक लगा के नहीं घूमने देने के लिए, हाई सिक्योरिटी वाला को डीलर से ही नंबर प्लेट को लगा के तब जाके ऑन रोड जाना है, ताकि कोई भी फेक लगा के नहीं घूम सकेगा। जितना भी है गाड़ी जो है नंबर प्लेट इश्यू करता है वो नंबर प्लेट जो है डीलर से ही लेना है। क्यों हम इशू किया था बोलने से पब्लिक लोग नहीं समझता है, पब्लिक लोग नहीं जानता है, तो नहीं जान के हमेशा डायरेक्ट हाई सिक्योरिटी में चला जाता है। तो डायरेक्ट हाई सिक्योरिटी में चला जाने से उनका वहाँ पे कर देने से फ्यूचर में अभी जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर का मुताबिक इसका मुताबिक ही चलना पड़ेगा। फिर आप डीलर से ही पंचिंग नहीं कराने से फ्यूचर में उसका ओनर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आप NOC लेना या पूरा सीट ट्रांसफर करना फ्यूचर में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है हम सोचा है कि नहीं, पब्लिक को नॉलेज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डीलर से ही जाके निकाल के, क्योंकि डीलर से ही आप जहाँ से गाड़ी खरीदा है उसमें आप पंचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होने से पब्लिक बात में हम लोग को आके गाली दिया, क्योंकि नॉलेज क्यों नहीं दिया, आप लोग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया बोला है, और गवर्नमेंट भी बोला है कि हम लोग का अवेयरनेस प्रोवाइड करो बोला है। और मेरा तरफ से हम जितना सोचा है कि पब्लिक को अवेयरनेस जाना जरूरी है, दिस ईयर उनका राइट है अवेयरनेस उन लोगों को मिलना, और मेरा ड्यूटी है प्रोवाइड करना, इसलिए हम नोटिफिकेशन को हम निकल आते हैं कि गाड़ी जो रजिस्ट्रेशन करने का बाद आपका जो नंबर प्लेट लेता है वो डीलर से ही लेना है, एंड देन नॉट ए सिंगल अमाउंट, 1 रुपया भी आपको वहाँ से मांगना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीलर से लेना दे देना है, क्योंकि हम नहीं बोल रहा है, इट्स सेंट्रल ये मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट जो है 2018 का जो नोटिफिकेशन से 2019-18 का जो प्रीवियस नोटिफिकेशन से उसको 2018-19 से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का यह सॉफ्टवेयर वाहन सॉफ्टवेयर हम खोद नहीं किया था, स्टार्ट नहीं किया था, उसका वजह से हम लोग में भी इम्प्लीमेंटेशन करने में देर हो गया, एंड यहाँ का गाड़ी जो है डीलर्स भी नया नया है, उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो NIC से उनको डायरेक्टर से तो डायरेक्टर में भी हमने कंप्लेन लॉन्च किया था ऐसा करने से, ठीक है बोल के, तो डायरेक्टर सर लोग प्रीवियस जो रिटायर हो गया डायरेक्टर सर उनको NIC को बोल के ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, जितना डीलर को बोल के ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का बाद फिर मेरा यहाँ का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का बाद तब जाके हम ये नोटिफिकेशन को हम निकाला है, तो निकाल के इन लोग को यहाँ पे लिखा है कि ये इसमें क्लियरली इंडिकेट किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है उसमें डीलर जो है फ्री ऑफ चार्ज ना कर देना है, और 1 रुपया भी आप चार्ज नहीं करना है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ द नंबर प्लेट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल ऑलरेडी, जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ऑलरेडी उन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट में इंक्लूड होता है, इसलिए पैसा पब्लिक से नहीं लेना है और डीलर ही नंबर प्लेट लेके निकाल के देना है। दिस इज द रियल, ये है हमारा खुद बना के हम लोग दिया वाला नहीं है, तो पब्लिक इसको जानना बहुत जरूरी है, एंड देन आप भी यहाँ पे आके क्लियरिफाई कर दिया है, और मेरा तरफ से भी क्लियरिफाई करने देने के लिए आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि पब्लिक भी नहीं समझता है, तो थैंक यू।